हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आजकल जितने भी सेकंड हैंड कार मार्केट है ना, उसमें स्कैम जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कार के बारे में, वो जो है इस स्कैम में इजीली पड़ जाते हैं। तो भाई आजकल जो एकदम ट्रेंडी स्कैम चल रहा है ना कार्स में, वो ये चल रहा है कि भाई अपनी गाड़ी का जो इंजन है ना, लाख डेढ़ लाख दो लाख किलोमीटर चल चुका होता है, लेकिन भाई जैसे ही आप अपनी गाड़ी को डीलर्स को बेचोगे ना, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो मीटर है जो है वो बैक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो है 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो भाई मैं उसको जो है मीटर बैक करके 20,000-30,000 किलोमीटर पे लेके आ जाऊंगा, जिससे आप जब भी कोई भी गाड़ी खरीदने आओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये जो गाड़ी है ना काफी ज्यादा कम चली हुई है, और आप जो है आंख बंद करके इसके इंजन वगैरह में भरोसा करके आप जो है इजिली ले लोगे। भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है गाड़ी को मीटर बैक किया जाता है, मीटर बैक कितने रुपए में होता है, एक एक चीज वीडियो में आपको जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई आप मेरे से पूछोगे कि भाई गाड़ी का मीटर जो है बैक होता है या नहीं होता है, तो भाई सबसे पहले बता दूं, गाड़ी का जो मीटर है ना वो 101% बैक होता है। तो भाई आजकल टेक्नोलॉजी जो है ना इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि भाई एक एक चीजों का लोगों के पास सोल्यूशन है। आपका जो मीटर दिख रहा है ना 1,29,000 चला हुआ किलोमीटर, अगर मैं चाहूँ ना इस गाड़ी को मीटर को बैक करना, तो मैं इसको जो मैं जीरो को भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ इसको सिर्फ 29,000 रखना, तो भाई मैं इस गाड़ी का जो मीटर है ना ऑडोमीटर जहाँ पे शो कर रहा है 1,29,000, इसको मैं सिर्फ 29,000 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। तो भाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपनी गाड़ी को भी आज डेट में अपने शेवरलेट बीट को सेल करने जाऊंगा ना, तो भाई अगर मैं इसका प्राइस 2,00,000 रुपए रखूंगा, तो लोग बोलेंगे कि भाई गाड़ी जो आपको ऑलरेडी 1,29,000 किलोमीटर चल चुका है। और ये सही बात है भाई, गाड़ी जो 1,29,000 किलोमीटर चल चुका है, इस कंडीशन में गाड़ी की जो इंजन है उसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो चुके होते हैं। अब ये लोगों को ये तो नहीं पता कि अपनी गाड़ी का इंजन मैं ओवरहॉल करा चुका हूं, ये अलग चीज है। अगर अभी मैं अपनी गाड़ी का 1,29,000 को अगर बैक करा के सिर्फ अगर यहाँ पे 29,000 शो करूँ ना, तो भाई एक एक बंदे जो है मेरे गाड़ी को 2,00,000 रुपए में लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब रेडी क्यों होंगे, क्योंकि भाई गाड़ी जितनी ज्यादा कम चली हुई होती है ना, उतना गाड़ी जो है ज्यादा अच्छा होता है। भाई लोग जो है यही स्कैम करते हैं, जैसे ही अपनी गाड़ी को एकदम रगड़ के चलाते हैं और जैसे गाड़ी को बेचने का टाइम आता है ना, वो अपनी गाड़ी को जो है मीटर बैक कराते हैं। मुश्किल से 500 से 1,000 रुपए लगता है गाड़ी के मीटर को बैक कराने में, और जैसे मीटर बैक कराए लोगों को लगता है कि भाई गाड़ी जो काफी ज्यादा कम चला हुआ है, और वो जो है आंख बंद करके ट्रस्ट करके गाड़ी को जो है खरीद लेते हैं। भाई मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है गाड़ी का मीटर बैक किया जाता है, कितना रुपया लगता है, और कैसे इसको जो है बैक किया जाता है। आपको जो आप ये बताता हूँ कि कैसे जो है गाड़ी का मीटर बैक किया जाता है, मीटर बैक करने से पहले बता दो आपको जो कितना रुपया लगता है। भाई तो ये जो है ना हर जगह जगह वैरी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ये 500 से 1,000 रुपए में आपकी गाड़ी का मीटर जो है ना कोई भी इजिली बैक कर देगा। तो भाई अगर भी 1,29,000 किलोमीटर चला हुआ है, अगर मैं इसको सेल करने चाहूँ और मैं चाहूँ कि गाड़ी का मेरे को मीटर बैक करे, तो मैं इजिली जो आपको 500 से 1,000 रुपए में इस मीटर को बैक कर सकता हूँ। आराम से मैं इसको जो है 29,000 किलोमीटर में ला सकता हूँ, मेरे को जितना मन करेगा मैं उतना जो मैं सेट करा सकता हूँ। बता दूँ कि कैसे जो है इस गाड़ी का मीटर को जो है बैक किया जाता है, इस गाड़ी का नहीं किसी भी गाड़ी का मीटर को जो है कैसे बैक किया जाता है। तो भाई आप सभी को पता होगा कि आप जैसे मान लो मेरी गाड़ी का जो चेक इंजन लाइट शो कर रहा है, तो भाई आजकल जो बहुत सारे स्कैनर्स आ चुके हैं, जैसे कि मान लो अगर मेरी कार में कोई भी अगर दिक्कत है ना, तो भाई एक बार मैं स्कैनर लगाऊंगा। मैं आपको जो एक बार ओबीडी पोर्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ओबीडी पोर्ट दिया हुआ था, यहाँ पे दिया होगा, दिख नहीं रहा है अभी, ये दिख रहा है गाइस, आप दिख रहे हो वहाँ पे, ये जो अपनी गाड़ी का एक ओबीडी पोर्ट है, आप यहाँ पे एक देख सकते हो ध्यान से, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये गाड़ी का जो ओबीडी पोर्ट है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का स्कैनर को फिट करेंगे। फिट करते ही क्या होगा, अपने स्कैनर में जो है ना गाड़ी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे कि गाड़ी का एक ही चीज जो है अपने को स्कैनर में बताने लग जाता है। जैसे अपनी गाड़ी को ओबीडी पोर्ट में स्कैनर फिट करोगे ना, आपको इंजन में कोई भी इशू होगा वो बता देगा, आपकी गाड़ी में कोई भी इशू है चाहे कोई भी एक सेंसर मिस फॉल्ट कर रहा है, एक एक चीज अगर जीरो से जीरो दिक्कत भी होगा तो आपकी गाड़ी में जो है स्कैनर पकड़ के बता देता है। पर उसी स्कैनर से ना लोग जो है अपनी गाड़ी का मीटर भी बैक कर देते हैं, मतलब भाई उस मीटर का जो काम है ना पूरे गाड़ी का जो जितना भी निचोड़ है ना गाड़ी का एक एक चीज, जैसे कि इसका ECU हो गया, ECM हो गया, एक एक चीज का जो है ना वो सॉल्यूशन बता देता है उसी स्कैनर में। भाई एक एक चीज रहता है, आप चाहो ना तो उसी स्कैनर से अपनी गाड़ी का जो मीटर बैक कर सकते हो। और भाई और कोई इसमें जो है तरीका नहीं है गाड़ी के मीटर को बैक करने का, सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के अलावा, कि गाड़ी अगर आपके पास स्कैनर है या फिर आपके किसी भी पास वाले के शॉप में या आपकी किसी पहचान वाले के शॉप में अगर स्कैनर है ना, और आप जाके यहाँ पे बोलोगे ना कि भाई मेरे को मेरी गाड़ी का मीटर बैक करना है, तो भाई वो 100% 500 से 1,000 रुपए में आपकी गाड़ी का मीटर जो है इजिली बैक कर देगा। तो भाई मेरे को यही क्लियर करना था। और आजकल जो काफी ज्यादा स्कैम चल रहा है, तो कभी भी आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपको जो मीटर के बेसिस पे नहीं खरीदना, आपको मीटर के साथ साथ अपनी गाड़ी का एक बार इंजन भी चेक करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी का मीटर यहाँ से बैक कर दिया हो और इंजन जो है 2,00,000-3,00,000 किलोमीटर के आसपास जो है कवर कर चुका हो। तो भाई मेरे को यही शेयर करना था, गाड़ी को एकदम ध्यान से देख के खरीदो। अगर आपको इंजन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो कोई मैकेनिक को लेकर जाओ साथ में और उसे जाके अपने इंजन का इंस्पेक्शन कराओ, आपको लगता है कि भाई इंजन एकदम परफेक्ट ओके है, तो आप जो गाड़ी को बिना किसी प्रॉब्लम के खरीद सकते हो। तो भाई कभी भी मीटर के हिसाब से गाड़ी के इंजन को जज मत करना, मीटर अगर कम चला तो भी एक बार अपनी गाड़ी को चेक करा लेना, और ज्यादा चला हुआ है तो भी अपनी गाड़ी को एक बार चेक करा लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मेरे दोस्तों शेयर करना, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।